नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भी न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज दिन भर की ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक जियो भी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर जियो भी न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास मैंने बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले कर्नाटक के विधायक ने खरीदी 11 करोड़ की कार। कर्नाटक में कांग्रेस से बगावत के बाद अयोग्य ठहराए गए 14 विधायकों में से एक एमटीबी नागराज फिर सुर्खियों में है। इस बार वह महंगी कार खरीदने से चर्चा में है। एमटीबी नागराज ने रोल्स रॉयल फैटम 8 नामक 11 करोड़ की कार खरीदी है। हालांकि टैक्स आदि चुकाने के बाद इस लग्जरी कार की कीमत और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। कर्नाटक जेडीएस सरकार के कुल 17 विधायकों ने नाराजगी के चलते जुलाई में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद राज्य में चल रही गठबंधन सरकार गिर गई थी। हालांकि तब विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 14 विधायकों को अयोग्य ठहराया था। इन्हीं विधायकों में एमटीवी नागराज भी शामिल थे। कश्मीर कमेटी की पहली बैठक। भारत को चुनौती देने के लिए ऐसे तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से बनाई गई कश्मीर कमेटी की शनिवार को पहली बैठक हुई। इस कमेटी में 7 सदस्य हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस कमेटी को बीते 6 अगस्त को बनाया था, जब मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 के अहम प्रावधानों को हटाने का निर्णय लिया था। कमेटी की बैठक पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की अध्यक्षता में हुई। कमेटी के अन्य सदस्यों में IMI हेड जनरल फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, मेजर जनरल आसिफ गफूर, कानून मंत्री नसीम, प्रधानमंत्री इमरान खान के विशेष सलाहकार फिरदौस आसिक, अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान भी शामिल हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि आज कश्मीर कमेटी की पहली बैठक थी। यह बैठक इसलिए खास है क्योंकि इसमें पाकिस्तान के सभी संस्थानों का प्रतिनिधित्व है। हमने संसद में एकता दिखाई थी और अब आज इस बैठक में हमने सांकेतिक रूप से एक साथ एकत्र हम हुए हैं। पीएम मोदी का भूटान में भव्य स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शनिवार को 2 दिवसीय भूटान पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए भूटान के पीएम लोटे शेरिंग भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया। भूटान में पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में भूटान की सड़कों पर लोगों का हुजूम भी उमड़ा। पारो से थिम्पू जाने वाली रोड पर सैकड़ों लोग भारत और भूटान के झंडे लेकर खड़े रहे। लोगों ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान पहुंचकर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोग पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। सबके हाथों में तिरंगा नजर आया। प्रधानमंत्री अपने भूटान दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरे से भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कोच बनते ही शास्त्री ने दिया बड़ा बयान, बताया टीम इंडिया का ये प्लान। टीम इंडिया के नए हेड कोच रवि शास्त्री BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति द्वारा इस हाई प्रोफाइल पद पर एक बार फिर से नियुक्त किए जाने के बाद बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। 57 साल के रवि शास्त्री T20 वर्ल्ड कप 2021 तक टीम इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे। रवि शास्त्री ने कोच बनते ही टीम इंडिया के भविष्य पर बड़ा बयान दिया है। शास्त्री ने टीम इंडिया के भविष्य के लिए अपनी योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा, मैं इसलिए कोच बना क्योंकि मुझे इस टीम पर भरोसा था। शास्त्री ने आगे कहा, मुझे भरोसा था कि ये टीम इंडिया एक ऐसी विरासत छोड़ सकती है जो बहुत कम टीमें छोड़ पाई हैं, एक ऐसी विरासत जिसका आने वाले दशकों में भी टीमें पीछा करेंगी। इसके अलावा टीम इंडिया का दोबारा हेड कोच बनने पर रवि शास्त्री ने कपिल देव की समिति को धन्यवाद कहा। रवि शास्त्री ने कहा, मैं सबसे पहले कपिल, शांता और अंशुमन को मुझ पर 26 महीने तक और काम करने के लिए भरोसा जताने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे लिए इस टीम का हिस्सा बनना सम्मान की बात है। बता दें कि शास्त्री का यह नया कार्यकाल T20 विश्व कप 2021 तक होगा। शास्त्री के सामने अब 4 चुनौतियां हैं जिनसे उन्हें पार पाना होगा।